दिस इज गोना बी अ फूड व्लॉग. फूड व्लॉग तो नहीं कह सकते क्योंकि फूड की जगह पर मुझे जो है वो फूड तो नहीं मिला, लेकिन उस जगह पर जलालत लाजमी मिली है. खैर, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज निसार अकरम एंड दिस इज गोना बी अ फूड व्लॉग वीडियो. बड़ा टाइम लगा अगर हम यहाँ पर पहुँचे थे, मतलब ये कि मैं वहाँ से निकला था, मुझे ये पता था कि 5 बजे से लेकर हनीफ का टाइम जो है तकरीबन 12 बजे तक है. बिल्कुल पास में हूँ तो यहाँ पर आकर पता चला है कि भाई खाने से पहले ही जो है वो आपका सारा कुछ ख़त्म हो चुका है. अब ये ख़त्म क्यों हुआ है अभी मुझे नहीं समझ आया, वरना इनका टाइम जो है तकरीबन वो 12 बजे तक का था. अभी इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि मैंने एक से पूछा है तो उन्होंने कहा कि यार हमने करवाई है सर, ये सारे पतीले जो है वो यहाँ पर उन्होंने खाली कर दिए. दोस्त अस्सलाम वालेकुम. यार ये टाइम से पहले आज कैसे ख़त्म हो गया है? ये भाई बताएंगे. कौन से भाई बताएंगे? ये वाले. अस्सलाम वालेकुम सर. सर आपका टाइम जो है तकरीबन 12 बजे तक का है ऐसे ही? भाई जान हमारा टाइम मैक्सिमम 12 बजे तक है और अगर उससे पहले जल्दी फारिग हो जाए तो अल्लाह की कुदरत. आपकी डेज की मेन्यू डेज क्या क्या है आप मुझे मेन्यू बता सकते हैं? मेन्यू जो हमारे पास होते हैं ना डेली 6 डेज हमारे पास होते हैं सिर्फ आए, और वेडनेसडे को हमारे पास होता है देसी चिकन. ठीक तो है, आज देसी चिकन था. आज ये जब देसी चिकन होता है ऐसे ही खत्म हो जाता है कि आज स्पेशल दिन था. मुझे बता रहे थे कि आज आपने जो है वो सहरी करवाई है इसकी वजह से. हाँ जी, वो उस वजह से क्योंकि आज सुबह बारात के लिए लोगों ने रोज़ा वगैरह रखना था. अच्छा, तो हम लोग रात 3 बजे स्टार्ट कर लिया हुआ था. ठीक है. आमतौर पर हमारी जो टाइमिंग है वो भजन होती है फजर की अजान के बगैर. फजर आजकल तकरीबन कोई 5 बजे स्टार्ट हो जाती है अजानें, तो हम लोग 5 बजे शुरू कर रहे हैं. तो आगे जैसे ये रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के अंदर आपका टाइम क्या होता है? रमज़ान में हमारी होती है अफ्तारी के वक्त से 1 घंटा पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. उस वक्त लोग पैकिंग वगैरह करवाते हैं, फिर अफ्तारी के टाइम लोग इधर पैकिंग अफ्तारी करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू तकरीबन 10:30-11 बजे जाते हैं. अभी ये है कि नाश्ता जो है वो हमने तो वो तो करना ही करना है. तो यहाँ पर वैसे ये पूरी की पूरी जो है ना वो फूड स्ट्रीट ही है तकरीबन. यहाँ से जहाँ से आप वहाँ से इचरे वाली साइड से मुड़े हैं तो मुड़ के हम यहाँ पर आए हैं इस वाली साइड में. मैं इसका जो है मुझे एग्जैक्टली जो है वो इसकी लोकेशन नहीं पता, मतलब मुझे नाम नहीं पता इस जगह का. मैं मेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है वो आया हूँ. तो है ऐसे कि पूरी की पूरी ये फूड स्ट्रीट है. यहाँ पर आपको पचे के पाए भी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ये JD भी मिल जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे और फूड पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर आपको मिल जाते हैं. यहाँ पर मानसिची वाले भी हैं बहुत सारे. अभी यहाँ पर मेरे सामने जो है ना, अभी नाश्ता तो जाहिर सी बात है करना है, सुबह से निकले हुए, तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो एक ही पॉइंट बचता है, वो है कि ये जमाल दे. ये अभी फिलहाल इनके पास चलते हैं, इनके पास जाकर इनका टेस्ट वगैरह देखें, क्योंकि मैं जो एक्चुअली में ट्राई करने आया था वो था कि वो जो हनीफ के पाए हैं वो, अब ना तो उनके पास जो है वो कुछ भी नहीं बचा, इवन के लस्सी वाला पॉइंट भी उन्होंने जो है वो बंद कर दिया. तो अभी हम यहाँ पर ये जो बाबा जमालदीन है, जाहिर सी बात है आए हैं तो कुछ खा कर तो लाजमी जाएंगे, तो इनका जो है वो हम नाश्ता ट्राई करते हैं. अस्सलाम वालेकुम बॉस. बॉस है ये आपका भी ख़त्म हो गया है भाई? है बॉस. क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? अंडा चने, कोफ्ता चने, देसी मुर्ग चने, बोंग पाए, हलीम. हलीम, अच्छा मुर्ग चने. मुर्ग है मटन चने? मटन नहीं है, मुर्ग चने है. वैसे ही लिखा ऊपर मटन नहीं, नागा होता है मंगल मुर्ग. अच्छा अच्छा, सही सही. आज है मुर्ग चने जी. तो कितने की बॉस जो है वो आप डील बना के देते हैं? वो आपने 400 की है, फुल 800 की है. ठीक है. हमने यहाँ से ऑर्डर किए थे हाफ़ प्लेट जो है वो मुर्ग चने, साथ में हमारे पास था रायता, नान और बोतल. टेस्ट अच्छा था और प्राइस के लिहाज से मुनासिब था. खैर हनीफ का तो हमें कुछ मिला नहीं, खैर हमने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर खाना ही था.
ویسے یار میرا ارادہ تھا حنیف کے جو ہے وہ پائے کھانے کا, خیر وہ تو میرے نصیب میں نہیں ہوئے, لیکن اس کے ساتھ تھے بابا جمال دین کا, بابا جمال دین کے مٹن والے, تو مٹن والے بھی میرے نصیب میں نہیں ہوئے کیونکہ آج بدھ تھا اور بدھ والے دن کہتے ہیں کہ مٹن والا کوئی چکر نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملتا نہیں ملتا. تو خیر وہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیسی مرغ کے جو ہے وہ چنے کھائے, وہ چنے بڑے مزیدار تھے, اچھے تھے, مطلب اوکے تھا, مطلب جتنی ہمیں بھوک لگی تھی اتنا ہم نے کھا لیا. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے ایک میں نے دیکھا تھا کہ احمد کھیر پوائنٹ, یہ والا. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے یار ہم نے گوگل کا جو ہے وہ گوگل میپ کا استعمال کیا. گوگل میپ نے اتنی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے, مطلب یہاں سے آپ چل کر گزر سکتے ہیں, وہاں سے ہمیں اس نے جو ہے وہ بائک کے اوپر جو ہے وہ رگڑا دیا ہے, اور رگڑا دے کر خیر ہم یہاں پر پہنچے. میں یہاں پر آ کر نا آگے جا کر میں دیکھ رہا ہوں کہ یار جگہ کہاں پر ہے, یہ کارنر پر جو ہے یہ جگہ ملتی ہے ہمیں, یہ اس طرح. السلام علیکم دوست, کیسے ہیں, کیا حال ہے یار؟ بڑی مشکل سے جگہ ملی ہے یار آپ کی, مطلب آپ اپنا بورڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھے نا تاکہ آنے جانے والے کو پتہ تو چلے. میں یہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہاں پر بھی نہیں ہے, یہاں پر بھی نہیں ہے. کتنے ٹائم سے آپ یہاں پر جو ہیں؟ 47 سے ہیں. کہاں سے؟ 1947 سے. بڑی پرانی جگہ ہے یار آپ کی. اچھا کتنے کی پلیٹ ہے؟ پلیٹ ہے آپ 60 کی اور 110 کی. 110 کی فل. اچھا اتنی مہنگائی میں آپ نے ریٹ بڑا صحیح رکھا ہوا ہے یار. ہمارا شروع سے مناسب ریٹ ہے. آپ ایک فل پلیٹ جو ہے وہ ہمیں کرتے ہیں نا ایک. اور نائس. یہ اوپر ملائی ہے؟ ہاں. اور زبردست.